सो आज अपन क्या पढ़ेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। तो फर्स्टली अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। सो इंट्रोडक्शन आवर व्यू, ऑस्टियोपोरोसिस कॉजेस बोन टू बिकम वीक एंड ब्राइटली सो ब्राइटल दैट ए फॉल और इवन माइल्ड स्ट्रेसेस सच इज द बेंडिंग ओवर क्रैकिंग कैन कॉजेस द फ्रैक्चर्स। ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली अकर इन द हिप, रिस्ट, स्पाइन, इन द लिविंग टिश्यूज दैट इज द कॉन्स्टेंटली बीइंग ब्रोकन डाउन एंड रिप्लेस्ड। सो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक वो होता है जो हड्डी जो होती है नाजुक और उनको कमज़ोर बनाती है। हड्डी इतनी नाजुक हो जाती हैं कि गिरने या खांसने और झुकने जैसे हल्के तनाव भी गंभीर फ्रैक्चर के कारण बन सकते हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस आमतौर पर रिक्लाई और कुल्हे पर होते हैं। हमारे शरीर में हड्डियों को लगातार टूटती और बदलती हैं, लेकिन इस मामले में हड्डी टूटने के बाद बदलना संभव नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, डेफिनेशन। ऑस्टियोपोरोसिस के डेफिनेशन, ऑस्टियोपोरोसिस वीक बोन मेकिंग द मोर ससेप्टिबल्स टू सडन एंड अनएक्सपेक्टेड फ्रैक्चर। द डिजीज ऑफ टेन प्रोग्रेसेस विदाउट एनी सिम्टम्स और पेन एंड इज नॉट फंड यूनिटली बोन फ्रैक्चर्स यू कैन प्रोग्रेस विदाउट एनी सिम्टम और पेन एंड इज नॉट फंड यूनिटली बोन फ्रैक्चर यू कैन टेक स्टेप टू प्रिवेंट दिस डिजीज एंड ट्रीटमेंट टू एग्जिट। सो ये डेफिनेशंस हो गई है। डेफिनेशन के बाद अपने ये हेल्दी बोन इन ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स सी पिक्चर्स। सो नेक्स्ट है अपने कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस किस बारे में। सो इसके कारण है यूएसएज, एज, रेस, फैमिली हिस्ट्री, बॉडी फ्रेम साइज। सो वुमेन आर मच मोर लाइकली टू डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस देन आर मेन। एज द ऑल्डर यू गेट द ग्रेटर योर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। रेस में यू आर एट इन ग्रेट रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इफ यू आर वाइट और ऑफ एशियन डिसेंट्स। फैमिली हिस्ट्री हैविंग ए पेरेंट्स और सिबलिंग विथ ऑस्टियोपोरोसिस एंड पुट्स यू एट ग्रेटर रिस्क, स्पेशली इफ यूअर मदर्स और फादर्स फ्रैक्चर्स ए हिप। बॉडी फ्रेम साइज में क्या होता है? मैन एंड वुमेन्स हु हैव स्मॉल बॉडी फ्रेम्स दैट टू हैव ए हायर रिस्क फ्रैक्चर, हायर रिस्क बिकॉज दे माइंड हैव लेस बोन मास टू ड्रॉ फ्रॉम एज दे एज। सो ये कॉजेस है। आयु में ये हो सकता है, ये सबसे बड़े कारकों में से एक है। हमारे पूरे जीवन में हमारे शरीर की जो हड्डी टूटती रहती हैं और नई हड्डियाँ बढ़ती रहती हैं, लेकिन जब आप 30 साल की उम्र तक पहुँचते हैं तो हड्डियाँ वापस बढ़ने की बजाय तेज़ी से टूटने लगती है। इसके कारण हड्डियाँ अधिक नाजुक हो जाती हैं और वे अधिक टूटने का खतरा होता है। फिर हो गया है हड्डी जी, ठीक है, ये अपने कारण है। और वह स्थिति है जो 40 से 45 वर्ष की आयु में महिलाओं में होती हैं और हार्मोन स्तर में बदलाव के कारण शरीर से हड्डियों खत्म होने लगती हैं।
पुरुषों का भी इस उम्र में भी हड्डियों का टूटना जारी रहता है, लेकिन महिलाओं की तुलना में धीरे धीरे होता है। हार्मोन लेवल्स, सेक्स हार्मोन्स, लोवेस्ट सेक्स हार्मोन इन लेवल्स टेंड टू वीकेंड बॉन्स द फॉल इन एस्ट्रोजन लेवल्स इन वुमेन एट मेनोपॉज इज वन ऑफ द एस्ट्रोजन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस। ट्रीटमेंट फॉर प्रोस्टेट कैंसर दैट रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन लेवल इन मेन एंड ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर दैट रिड्यूस एस्ट्रोजन लेवल इन वुमेन आर लाइकली टू एसिडिटी बॉन्स लॉस। हाइड्रोइड प्रॉब्लम्स, टू मच हाइड्रोइड हार्मोन्स कैन कॉजेस बोन लॉस। दिस कैन अकर इफ योर थायराइड इज ओवर रिएक्टिव और इफ यू टेक टू मच थायराइड हार्मोन्स मेडिकेशन टू ट्रीट एन अनडायरेक्टिव थायराइड। अदर ग्लैंड्स ऑस्टियोपोरोसिस हैज आल्सो बीन एसोसिएटेड विथ ओवर रिएक्टिव इन पैराथायराइड एंड एड्रेनलिन ग्लैंड्स। ये अपने हार्मोन्स लेवल्स हो गए हैं। उसके बाद डाइटरी फैक्टर्स होगा, जो लो कैल्शियम इंटेक होता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल्स। सो लो कैल्शियम के अंदर में क्या आएगा, ए लाइफ लॉन्ग लैक ऑफ द कैल्शियम प्ले रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। लो कैल्शियम इंटेक इन कंट्रीब्यूट टू मिनिमाइज्ड बोन डेंसिटी रियरली बोन लॉस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स ईटिंग डिसऑर्डर सीवियरिटी रिस्ट्रिक्टिंग फूड इंटेक एंड बीइंग अंडर वेट एंड वीक बोन इन बोथ मैन एंड वुमेन्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी टू रिड्यूस द साइज यूअर स्टोमक और टू रिमूव पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन लिमिट द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट इंक्लूडिंग कैल्शियम दिस सोरेसिस इंक्लूड दोज टू हेल्प यू लॉस वेट एंड फॉर अदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। ये डाइट्री फैक्टर हो गया है। नेक्स्ट है अपना पैथोफिजियोलॉजी रिस्क फैक्टर इन ऑस्टियोपोरोसिस तो ऑस्टियोनोमस ओल्ड एज इन मेडिसिन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स इंफ्लामेटरी ऑर्थोपैथी एंड हेमोपैथी हेमेटोपोएटिक एंड न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स ये रिस्क फैक्टर है। और ऑस्टियोपोरोसिस बोन मिनरल्स डेंसिटी इम्बेलेंस ऑफ बोन रिमेडलिंग बोन रीऑब्जॉर्प्शन रिस्क और फ्रैक्चर्स। ये अपना पैथोफिजियोलॉजी हो गया है। पैथोफिजियोलॉजी के बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा, जिसमें होगा देयर टाइपिक आर सो सिम्टम्स इन द रियरली स्टेज ऑफ बोन लॉस बट ओनली यूअर बोन have been weakened by the osteoporosis. You might have signs and symptoms that include back pain caused by a fracture or collapsed vertebra, loss of height over time, a stopped postures, a bone that breaks much more easily than expected. सो क्लिनिकल दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस में क्या क्या अपन डायग्नोसिस करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशंस एंड कैल्शियम्स सीरम फास्फोरस बोन डेंसिटी टेस्ट सिटी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे एक्सरे
ये अपना डायग्नोसिस इवेल्यूशन हो गया। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सो ऑस्टियोपोरोसिस में ट्रीटमेंट क्या देते हैं? अपना ट्रीटमेंट, सो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे बाय फॉस्फोनेट्स। फर्स्टली फॉर बोथ मैन एंड वुमेन एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स द मोस्ट वीडली प्रिस्क्राइब्ड ऑस्टियोपोरोसिस मेडिकेशन आर बाय फॉस्फोनेट। एग्जाम्पल्स इंक्लूड अल्ड्रोनेट, बाइस्टो, इन्फोसोमेक्स, इन आइवेंड्रोनेट, इरिसिंड्रोनेट, जोले ड्रोनिक एसिड। ये होगा बाइफॉस्फोनेट के मेडिसिन एंड हार्मोन रिलेटेड थेरापीज। इस्ट्रोजन इस स्पेशली वेन स्टार्टेड सुन आफ्टर मेनोपोज कैन हेल्प मेंटेन बॉन्ड डेंसिटी। नेक्स्ट है बोन बिल्डिंग मेडिकेशंस। इफ़ यू हैव सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस और इफ़ द मोर कॉमन ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस डोंट वर्क वेल इनोफ योर डॉक्टर माई सजेस्ट ट्राइंग। नेक्स्ट टेरिपेराटाइड बोन डेंसिटी इन फोरेटिन। दिस पावरफुल ड्रग्स इज सिंपलर टू पैराथायराइड हार्मोन्स एंड स्टिमुलेट्स न्यू बोन्स ग्रोथ इफ गिवेन बाई डेली इंजेक्शंस अंडर द स्किन फॉर अप टू ईयर्स। एब्लोपैराटाइड इज अनदर ड्रग्स सिमिलर टू द पैराथायराइड हार्मोन्स। दिस ड्रग कैन बी टेकन फॉर ओनली टू ईयर्स। रोमोसोम दिस इज द नेवेस्ट बोन बिनिंग मेडिकेशन टू द ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस। इट इज गिवेन एज एन इंजेक्शंस एवरी मंथ एट योर डॉक्टर्स ऑफिस एंड इज लिमिटेड टू वन ईयर ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल्स एंड होम रिलेटेड होम रेमेडीज। डोंट स्मोक, लिमिट अल्कोहल इन प्रिवेंट फॉल्स। सो डोंट स्मोकिंग इंक्रीज रेट्स ऑफ बोन लॉस एंड द चेंज चांस ऑफ द फ्रैक्चर्स। स्मोकिंग इंक्रीज रेट ऑफ बोन लॉस एंड द चांस ऑफ फ्रैक्चर्स। लिमिट अल्कोहल कंज्यूमिंग फॉर द then two alcoholic drink a day may increase bone formations begin under the influence of the alcohol also can increase your risk of falling. Prevent falls, wear low heeling shoes with non-slip soles and check your house for electricals, cords, area rugs and slippery surface that might cause you to fall. Keep from brightly light install grab bars just inside and outside your store door and make sure you can get into and out to your bed easily. So ये treatment हो गया है। So next repeated करते हैं कि osteoporosis में अपन ने क्या क्या देखा है। osteoporosis में introduction देखा है। firstly introductions में कि osteoporosis क्या होता है। osteoporosis क्या होता है? ये osteoporosis है एक जो हड्डियों नाजुक और कमज़ोर बनती है और हड्डियाँ इतनी नाजुक हो जाती हैं कि गिरने या खांसने झुकने जैसे हल्के तनाव भी गंभीर फ्रैक्चर के कारण बन सकते हैं।
फ्रैक्चर आमतौर पर रीढ़, कलाई, कुल्हे पर होते हैं। हमारे शरीर में हड्डियों को लगातार टूटने या टूटती और बदलती हैं, लेकिन इस मामले में हड्डी टूटने के बाद बदलना संभव नहीं होता है। यह महिलाओं और पुरुषों दोनों में प्रभावित करता है, लेकिन ऐसे और महिलाओं में विशेष रूप से जो अपने रजोनिवृत्ति जो गुजर चुके हैं वे जो जोखिम में होते हैं, वजन बढ़ाने वाले व्यायाम, स्वस्थ आहार और दवाएं कमज़ोर हड्डियों को मजबूत कर सकती हैं और हड्डियों को नुकसान से बचा सकती हैं। सो इंट्रोडक्शन हो गया है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस वीक बोन्स मेकिंग द मोर सस्पेक्टेबल ऑफ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड फ्रैक्चर, जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन एंड नेक्स्ट है अपना कोजेस देखा है। नेक्स्ट हार्मोन लेवल्स, डाइट्री फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिकेशंस, क्या क्या टेस्ट कराएंगे एंड लास्ट वन इज ट्रीटमेंट। सो ऑल ट्रीटमेंट देख लिया। सो गाइस थैंक यू।